जीजू कैसे हैं? वो ऑपरेशन थिएटर में है महक। अब तो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा कि। घबराइए मत, जीजू को कुछ नहीं होगा, जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम अकेली आई हो? वो डैड को कॉलेज जाना पड़ा, कोई अर्जेंट मीटिंग थी, और कनन और चारू के भी रिहर्सल्स थे, तो वो भी कॉलेज में है। मैं कब से आपको मिलना चाह रही थी तो अकेली आ गई। मैं डैड को फोन करके आती हूँ कि आज मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं नहीं महक, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ घर पर जाकर आराम करो। दी, आपको भी तो आराम की जरूरत है ना। मेरी बात अलग है महक, और तुम्हारी बात अलग है, जाओ। मगर दी, मेरी बात नहीं सुनोगी तुम? अपना ख्याल रखना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, और कोई भी बात हुई ना तो तुम्हें फोन कर दूंगी, ठीक है? यार अमन, अच्छा तो यही मिल गया। रोनी की यहाँ पर पार्टी है, तो चल मेरे साथ, चल। नहीं यार, मुझे नहीं जाना। अरे चलना यार, बहुत मजा आएगा, चल। पीयूष भाई इतने सीरियस है और तुझे मस्ती सूझ रही है। तुझे क्या लगता है कि ऐसे मुंह लटका कर खड़े रहने से पीयूष भाई ठीक हो जाएंगे? नहीं ना, तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अब जो करना है डॉक्टर्स करेंगे, इसलिए तू चल मेरे साथ। नहीं यार ऋषि, मुझे पीयूष भाई को देखने जाना है, और मैं चाहता हूँ तू भी मेरे साथ चल। वाओ, गुड आइडिया। ऐसे कर, तू हॉस्पिटल जा और फ्री होने के बाद मुझे फोन कर। ऑलराइट ऋषि, चल ना मेरे साथ प्लीज। देख, हम लोग वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, और यार देख पीयूष भाई इतने सीरियस हैं, कम से कम अभी तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है ठीक है, आप लेक्चर देना बंद कर, हम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाएंगे। ऑलराइट चल। यार अमन, ये हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड भी है क्या? ऋषि है, कभी तो सीरियस ना करें। ओके अब चलेगा? हाँ चल। क्या हुआ डॉक्टर? एक्चुअली खून बहुत बह चुका है, एंड वी नीड ब्लड इमीडिएटली। तो लीजिए, आप लोग रुके क्यों? वी आर ट्राइंग, एक्चुअली हमारे ब्लड बैंक में ये ब्लड ग्रुप है ही नहीं। प्लीज डॉक्टर, डू समथिंग, सेव हिम डॉक्टर। क्या वो भाभी? अमन, उनका ऑपरेशन हो रहा है, एंड ही नीड्स ब्लड इमीडिएटली। डॉक्टर, प्रॉब्लम क्या है? उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ORH नेगेटिव, एंड इट्स अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप, दैट्स द होल प्रॉब्लम। ये ब्लड ग्रुप तो मेरा भी नहीं। भाभी आपका क्या है? ए पॉजिटिव। ऋषि तेरा? बी नेगेटिव। भाभी डोंट वरी, घर से सब इधर ही आ रहे हैं। I'm sure family में से किसी ना किसी का ब्लड ग्रुप भैया से जरूर मैच होगा। प्लीज ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। मैं भी कोशिश करता हूँ। प्लीज ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं ललित को क्या हो गया, आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? ललित जी, क्या हुआ ललित? पैसे का इंतजाम हुआ? सी जी, बहुत उम्मीद लगा कर गया था कि मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे ना नहीं कहेगा वो, लेकिन वहां जाके पता चला कि वो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो फिर? फिर क्या, किस मुंह से उससे पैसे मांगता, और वो भी इतनी बड़ी रकम। खाली हाथ आ गया वापस। सीजी, ये एक आखिरी उम्मीद थी हमारे पास। मतलब कल हमारा ये घर
नीलाम हो जाएगा। हाँ ललित, तुम्हारी गैरहाजिरी में बैंकर्स का फोन आया था, कह रहे थे कि रकम मदानी की गई तो कल जरूर हमारा घर नीलाम हो जाएगा। अब तो मोहलत की भी गुंजाइश नहीं है। सीजी, ये तो होना ही था। वक्त की मार हर तरफ से पड़ रही है, एक तरफ ये घर और दूसरी तरफ पीयूष की हालत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वसुंधरा, वैसे कशिश का कोई फोन आया था पीयूष की तबीयत के बारे में कुछ? नहीं, अभी तक तो कशिश ने फोन तो नहीं किया। कशिश का ही फोन है। हाँ बेटा बोल। नहीं, मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाला था। पीयूष की तबीयत कैसी है? ये तू क्या कह रही है बेटा? बेटा डोंट वरी, हम लोग पहुंच रहे, बस तू चिंता मत कर। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, पीयूष की तबीयत खराब हो गई है, लेट्स गो। हाँ ठीक है, चलो। एक मिनट, ये नीलामी वाली बात कशिश से ना कहे तो बेहतर होगा। पहले ही पीयूष को लेके बहुत परेशान है वो। आई थिंक यू आर राइट, चलो चले, लेट्स गो। अमन, तूने कहा था ना हम यहां से जल्दी जाएंगे, चल। भाभी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ यार? ठीक है, तुझे यहां रुकना है तू रुक, मैं जा रहा हूं। भाभी, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। अभी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। घर वाले बस सब आते ही होंगे अभी। वो देखिए आगे पापा। कशिश, पीयूष की तबीयत कैसी है? पापा, उनका ऑपरेशन चल रहा है, उन्हें खून की जरूरत है। ORH नेगेटिव कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बेटे, लेकिन ये ब्लड ग्रुप मेरा है, मुझे वहां ले चलो प्लीज। आइए अंकल। महक, पीयूष जॉब कैसे है? जी जो ठीक है। लेकिन तुम इतनी देर कहाँ लग गई? वरुण कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बहुत ट्रैफिक था ना, तो ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं। हाय वरुण। हाय मैक। मैं तो अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मैक, पीयूष भैया कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ कहा वो वापस कब आएंगे? डोंट वरी वरुण, जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो जल्दी घर भी आ जाएंगे। बस एक बार वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाए, मैं उन्हें ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। यू नो, उन्होंने हमेशा मुझे एक पिता की तरह प्यार किया है, संभाला है मुझे, और आज वो ये हालत में सबके होते हुए भी घर खाली खाली सा लगता है। मैं आई अंडरस्टैंड वरुण, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं पीयूष भैया के साथ उनकी जिम्मेदारियां बांटूंगा। बहुत कर लिया उन्होंने हमारे लिए, अपनी जिंदगी भूलकर वो सिर्फ घर वालों के लिए खुशियां बटोरते आए हैं। लेकिन बस अब और नहीं, मैं उनके साथ उनके हर कदम पर उनका साथ दूंगा, बस एक बार वापस घर आ जाए। छोड़ो, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। महक, वरुण, बाकी बातें बाद में, पहले जूस पी लो। वरुण, तुम्हारी चाय। थैंक यू। Thank you.
डॉक्टर साहब, ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। ये तो अच्छा हुआ कि मिस्टर गरेवाल वक्त पर यहाँ पहुँच गए और उनका ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। आप लोग चाहें तो घर जा सकते हैं, आप में से कोई भी एक यहाँ रुक जाए। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। सीजी, आज तुमने जो किया है ना, अपने बेटे के लिए किया है ललित। ललित, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं हमारा पीयूष बेटा बहुत जल्द अच्छा हो जाए, बस। अंकल, पापा, आप लोग घर जाइए, मैं यहां रुकती हूं। ना बेटे, बेटा तुम बहुत थकी हुई हो, तुम घर जाओ, मैं यहां रुकता हूं। प्लीज अंकल, मुझे पीयूष के पास रहना है। मगर बेटा, कोई बात नहीं ललित, अगर इसका दिल है यहां पीयूष के पास रुकने के लिए तो रुकने दो, लेकिन कशिश बेटे, यू प्रॉमिस मी वन थिंग, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। किसी भी चीज की जरूरत हो हमें फोन कर देना, हम फौरन आ जाएंगे बेटे। जी अंकल। चले वसु। डॉक्टर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। व्हाट, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं अभी तो नहीं, ही इज स्टिल अनकॉन्शियस एंड अंडर ऑब्जर्वेशन, थोड़ा इंतजार करना होगा। एक्सक्यूज मी नाउ। हेलो मामा, आपके लिए एक गुड न्यूज है, पीयूष का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ही इज आउट ऑफ डेंजर मामा। थैंक गॉड। मामा, डॉक्टर ने कहा है कि हम उनसे थोड़ी देर में मिल सकते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, लेकिन कशिश, आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। क्या हुआ मामा, घर पे सब ठीक तो है ना? घर में सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है जबकि घर ही हमारा नहीं रहेगा। बैंक से फोन आया था, उनका लोन नहीं चुकाने के कारण वो आज हमारा घर नीलाम कर डालेंगे। What? मामा, I'll call you back. अच्छा। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो। जिसका वास्ता तुम जैसे इंसान के साथ पड़ा हो वो कैसे परेशान नहीं हो सकता है? तुम कहना क्या चाहती हो? ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो, समझते क्या हो तुम अपने आप को? मुझे इतने बड़ी धोखे में रखा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, क्यों समझ में आएगी तुम्हें मेरी कोई बात? तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। कशिश, तुम हर बार, अगर तुम्हें ये सब करना था क्यों झूठा कॉन्ट्रैक्ट बनाया तुमने? क्यों मेरे अंदर ये उम्मीद जगाई कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो तुम बैंक का 200 करोड़ का कर्जा लौटा दोगे? तुम मेरी मजबूरी का इस तरह से मजाक बनाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जैसा झूठा, खुदगर्ज और मौका परस्त इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। बस करो कशिश। बस तुम करो सुजल, बस करो मेरी जिंदगी में आग लगाना, बस करो दूसरों के जज्बातों के साथ खेलना। तुम्हें क्या लगता है, तुम चेक रुकवाओगे और मेरे घर की नीलामी करोगे और जीत जाओगे? हरगिज नहीं, नीलामी होगी उस वादे की जो तुमने मुझसे किया था, नीलामी होगी उस विश्वास की जो मैंने तुम पर किया था, नीलामी होगी सुजल करेवाल की
जिसने हमेशा से रिश्ते की हदें तोड़ी हैं और आज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं निभा सका। शेम ऑन यू मिस्टर सुजल गरेवाल। यस सर, मैंने जो कशिश को 200 करोड़ रुपए का चेक दिया था उसका क्या हुआ? वो तो नेक्स्ट डे क्लियर हो गया सर। एनी प्रॉब्लम? नो थैंक्स। हेलो मिस्टर सिन्हा, मैं सुजल गरेवाल बात कर रहा हूँ। या मिस्टर गरेवाल, जब आपको आपके 200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं तो फिर गरेवाल हाउस की नीलामी क्यों होने जा रही है? मिस्टर गरेवाल, नीलामी 200 करोड़ रुपयों की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उन 25 करोड़ रुपयों की वजह से हो रही है जो कि इंटरेस्ट और लेट फीस प्रोसेसिंग चार्जेस के हैं, जो कि अभी तक बैंक में जमा नहीं किए गए हैं। गरेवाल हाउस की नीलामी नहीं होगी। अगर नीलामी नहीं होगी तो हमारे पैसे, आपको आपका 25 करोड़ रुपया थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। नीलामी रुकवा दीजिए। या श्योर। एक बात और, किसी को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। हमको हमारे पैसों से मतलब है, फिर वो कोई भी दे। यू डोंट वरी, हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि पैसे आपने दिए हैं। मुझे भी मत बताइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड, पता नहीं क्या होगा। जी वो लोग किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। कशिश, आई एम सॉरी, मैं अपना फर्ज नहीं निभा सकी। भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। क्या आपको लगता है कि अब कुछ ठीक होगा आंटी? आप लोग परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बस ये घर ही तो नहीं रहेगा हमारे पास, हम सब तो साथ हैं ना, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, कैसे भी गुजारा कर लेंगे, कुछ ना कुछ। कशिश बेटे, डोंट क्राई, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। आप लुक, आई विश यू हैड गिवन अस सम मोर टाइम। अब आपको मोहलत की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। हम यहाँ आपके घर की नीलामी करने नहीं आए, बल्कि आपके घर के पेपर्स वापस करने आए। ये रहे आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मेरा मतलब है, हमारा लोन किसने अदा किया है? सॉरी सर, दैट आई कांट टेल यू। जिन्होंने आपका लोन अदा किया है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए हमें मना किया है। अच्छा सर, हम चलते हैं। कम। थैंक यू ललित, वीना बसु, कंग्रेचुलेशंस, वी हैव डन इट। यस यस, अब हमारा घर बिल्कुल निलामी होगा। सही। इसका मतलब सुजल का चेक बाउंस नहीं हुआ था, उसने अपना वादा निभाया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।